गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम शंभू सर, योर मैथ टीचर. वेलकम बैक टुडे. वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 5.3. हाँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नॉट अ रिलेशन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का हमें कॉन्सेप्ट देखना है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक्चुअल में देखिए, जैसे कोई 1/2 फ्रैक्शन है. अब अगर मैं इन्हीं नंबर्स को देखूं तो बेटा देखिए, आपका 1/2 है. मैं सेकंड फ्रैक्शन फाइंड कर रहा हूँ इक्विवेलेंट, तो मैंने 2 से इंटू न्यूमरेटर में कर दिया, 2 से डिनोमिनेटर में, 2 × 4. अब देखिए ये 1/2, फिर हमने यहाँ 2 को मल्टीप्लाई किया है. सिमिलर देखें तो 1/2 था, हम 1/2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 × 3 = 6. ऐसे हम मैनी इक्विवेलेंट किसी भी फ्रैक्शन के फाइंड कर सकते हैं. सिमिलरिटी क्या होती है कि कोई कॉमन मल्टीपल होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, कॉमन मल्टीपल होता है, लाइक दैट हियर 2 हियर 3, इट्स ओके. अब शेप के अकॉर्डिंग अगर हमें जाना है तो देखिए, अब फॉर एग्जांपल बुक के लेग पेज पर जाएं कि ये है आपका टोटल, ये 1 है, ठीक है, और इस फ्रैक्शन को उन्होंने कहा है 1/2, और नेक्स्ट आपका देखें टोटल है आपकी 4 है, तो ये आपका हो गया 2/4. तो दीस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आप देखें कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसलिए बोल रहे हैं हम आप इनको क्योंकि इसमें कॉमन मल्टीपल 2 है. और आप देखें उसी शेप को उन्होंने कन्वर्ट किया है, यहाँ सेटेड, यहाँ टोटल हाफ पार्ट था, यहाँ भी हाफ पार्ट है, बट इस कंप्लीट को उन्होंने 4 टोटल पार्ट में डिवाइड कर रखा है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके हम एक्सरसाइज पर. उस क्वेश्चन फर्स्ट राइट नाउ फ्रैक्शंस आर ऑल द ऑल दीज फ्रैक्शंस दैट सर. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव और थर्ड जो है देखिए, ये तो 1/2 हो गया, ये टोटल क्या हो गया 2/4 हो गया. अब देखिए टोटल, अब यहाँ टोटल पार्ट की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आएगा क्या? देखिए जरा क्या होगा टोटल सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल 8 तो होगा.
सेकेंड कितना होगा सर? 1, 2, 3, 4 होगा। आप देखिए ये तो इनका फ्रैक्शंस फॉर्म हो गया, राइट, ऑल द फ्रैक्शंस, बट 1/2, 2/4, 4/8 दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखें। अब नेक्स्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, बी भी आपका आई होप आप लोग ट्राई कर लेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा कॉन्सेप्ट कि हमें कोई फ्रैक्शंस गिवन है, हमें कोई फ्रैक्शन गिवन है, दैट वन हमें उसके इक्विवेलेंट फाइंड करना है कि वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 5। तो अभी जनरली हमने कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया था कि 1/2 है फर्स्ट मल्टी फर्स्ट आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो 2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई दैट 1, 3, 4 सिमिलर हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।